नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के गुड़िया देवी के हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर निकाली गई शांति मार्च। बीटी बीघा गुड़िया देवी उम्र लगभग 32 वर्ष हत्यारे को गिरफ्तार करने एवं फांसी की सजा देने को लेकर नारी उत्पीड़न संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को बीटी बीघा अनुमंडल कार्यालय तक शांति मार्च निकाला गया। शांति मार्च में शामिल महिला पुरुष एवं शहर के जेपी चौक पहुंचकर जेपी की प्रतिमा पर माला अर्पण करते हुए आगे बढ़े। शांति मार्च अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर अनुमंडल पदाधिकारी को अपने 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गुड़िया देवी के हत्यारे में शामिल विनय यादव की पत्नी कुन्ना देवी की गुड़िया का मोबाइल रखने वाला अरविंद यादव को गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई है। हत्या में अरविंद कुमार यादव शामिल होने की बात की जा रही है। इसकी जांच करकर जल्द से जल्द गिरफ्तारी करकर और हत्यारे को फांसी देने की बात की गई। हम गए डीएसपी साहब को ज्ञापन दिए, उसमें जो 5-6 मांग थी सारा बातचीत हुई और उसके बाद डीएसपी साहब आश्वासन दिए कि 1 सप्ताह में हम जरूर जो मुजरिम है उसे पकड़ने में कामयाब होंगे। पकड़ने के लिए आश्वासन दिए हैं। बोले कि कैसे आप मानते हैं उसको मुजरिम, कैसे आप उसको दोषी मानते हैं। तो भाई हम लोग बताए सारी बात को कि जब कुना देवी के पास से जितवाहन बरामद हुआ, प्रशासन के सामने जितवाहन ला करके दी और मोबाइल के बारे में बोली कि हम रविंदर को देखते हैं, तो कम से कम उसका पूछा जाए। तो नंबर लिए हैं और नंबर लेकर के उसका लोकेशन से जाँच करेंगे। अब पता ना कैसे उन लोग जाँच करेंगे। अभी तो आश्वासन हम लोग को मिला। इज्जू साहब क्या बोले हैं, क्या कामयाब रहते हैं? इज्जू साहब क्या बोले? इज्जू साहब ही वही बात बोले कि हम जरूर आप लोगों को बात को सुनेंगे, इस पर जो भी बातें हैं हम ध्यान देंगे, आगे जो प्रक्रिया होगा पकड़ने में सजा देने में जरूर। प्रशासन अभी कितने को जेल भेजा है? दो ठोको भेजा। अभी आप लोगों ने पेट्रोलिंग गाड़ी को लेकर भी सवाल उठाया था के लिए, जैसे गांव में जो महिला है जो अपराधी है उन लोग खुलेआम धमकी दे रहा है, महिलाओं को मतलब प्रताड़ित कर रहा है, तो महिला लोग डरी हुई है। तो ये बात को हम SDO साहब से बताए, तो SDO साहब तुरंत थाना में फोन करके बोले कि पेट्रोलिंग में गाड़ी मतलब भेजेंगे, वहाँ जाएगी गाड़ी। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम अस्मिता कुमारी। और क्या है आप? नारी उत्पीड़न संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ इमामगंज का, और ये जो बीटी बीघा का जो संघर्ष समिति है मैं उसको सहयोग के लिए आई हूँ। और अनुमंडल में भी एक महिला उत्पीड़न का एक समिति बना है 7 लोगों का, उसमें भी मैं सदस्य हूँ अनुमंडल का। चलिए ठीक। अच्छा, इस घटना में और कोई संलिप्त है? और बस वही 2 आदमी और हैं, रविंदर जी और क्या नाम बताइए, एक बार जरा फिर से बता दीजिए। मेरा नाम अस्मिता कुमारी, हत्याकांड को लेकर आज शांति मार्च निकाला गया था और आपके समक्ष एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। सर, ये जानकारी मिली है कि गुड़िया हत्याकांड के मामले में कुछ महिलाओं के जथाए थे जो आए हैं और SDPO साहब से भी मुलाकात किया है और मेरे पास भी आकर उन्होंने अपना प्रतिवेदन दी है। उन लोगों का मांग है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। साथ ही साथ दूसरी बात था कि कुछ ऐसे लोग हैं असामाजिक तत्व जो वहाँ हैं और महिलाओं पर कमेंट करते हैं। साथ ही साथ जो गिरफ्तारी हुई है, तो गिरफ्तारी बाकी है, तो उस पर सही इन्वेस्टिगेशन हो और सही और गिरफ्तारी जो है हो और गलत नाम गया है तो हटे। ये पार्ट पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस केसेस हैं और DSP साहब के पास विज्ञापन दी गई है, वो खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ रही पेट्रोलिंग के लिए, तो उसमें हमने SDPO साहब से भी बात किया है कि पेट्रोलिंग उधर बढ़ा दी जाएगी, पेट्रोलिंग रहेगी, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन का चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आएंगी पुलिस केस है। सर, पीड़ित पक्ष का कहना है कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। FIR जो हुई है तो FIR में जो किया होगा, जितना नाम होगा इन्वेस्टिगेशन में होगा, हो सकता है कई लोग उनकी बात सत्य हो, जिन्हें तो इन्वेस्टिगेशन नहीं पता चलेगा, जो साइंटिफिक साक्ष्य आएगी उस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है। इसी संबंध में गुड़िया देवी का मृतक हुआ उसके नंबर 603/23 केस में FIR दर्ज हुआ है। जाँच करने के बाद 2 व्यक्ति विनोद यादव, महेंद्र प्रसाद, उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। इसके संबंध में दोनों को कन्फेशन स्टेटमेंट ले लिए, उसमें भी उसके अनुसार भी कार्रवाई किया गया है। अभी
आरोप लग रहा है और दो व्यक्ति बारे में, रविंद्र यादव, पुना देवी, उनका बारे में हमको आरोप लग रहा है, इनको भी शामिल था उस घटना में। सो इस बारे में हम जांच करेंगे। अभी पहले वो घटना का बारे में आरोप पत्र समर्पित हुआ है, बट फिर भी हम इस दोनों बारे में जांच करेंगे। जी सर, बार बार रविंद्र यादव का नाम आ रहा है सर उसमें, बार बार रविंद्र यादव, क्योंकि कई बार हमने वहाँ पर कवर किया तो महिलाएं से लेकर आज भी यही बात हो रही है कि रविंद्र यादव है या असली गुनाहगार बाहर है, तो इस पर क्या कहना चाहिए ना? अभी पहले भी हमको अप्लीकेशन आ गया, उनको अभी फिरार है, सो फिरार होने के कारण अभी उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। दोनों को विरोध अभी हम जाँच करेंगे, अभी दोनों फिरार हैं। सर कुछ पुलिस पदाधिकारी पर आरोप है सर, कुछ पैसा लेन देन का, इसमें हमको ग्रामीण कर रहे थे जहाँ किस पुलिस पदाधिकारी आपको? थानाध्यक्ष। ठीक है, आवेदन हमको दे सकते हैं, हम जांच करेंगे। ठीक है।